नमस्कार, मैं रजत कुमार। तो आज हम जो करने वाले हैं क्लास, वो क्लास 11 की एग्रोनॉमी, जिसमें जो पहला जो चैप्टर है वह है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी को जानने से पहले हमें जो है एग्रीकल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, यानी कि कृषि। एग्रीकल्चर जो है एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसल व फसल से संबंधित या जो अन्य क्रियाएं होती है, जैसे कि फलों उत्पादन, पशुपालन या भूमि का जो प्रबंध होता है, उसका अध्ययन करते हैं। जो एग्रीकल्चर जो शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसी की कई उपशाखाएं हैं, जिनमें से एक उपशाखा एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान भी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और सस्य विज्ञान की अगर परिभाषा की बात करें तो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल व भूमि प्रबंधन, की क्रियाओं और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फसल व भूमि की क्रियाओं व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अगर इसके जनक की बात की जाए एग्रोनॉमी के, तो एग्रोनॉमी के जो जनक है वह पीटरो डे क्रेसेंजी, इनके जो जनक का नाम है वह जनक कौन है इसके? पीटरो डे क्रेसेंजी। तो ये थी सस्य विज्ञान के पहले चैप्टर की बात। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।